सो हे गाइस, मेरे पास है लावा यूआर 2 और आज हम लोग इसका करेंगे कैमरा टेस्ट। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो कैमरा टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सस्ता फ़ोन है तो क्या हुआ गाइस, लोगों का पैसा पैसा होता है, इसलिए हम सब कुछ बताएंगे आपको और जो भी चाहिए आप कमेंट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फिर गाइस, इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहले फ़ोन देखो यार, क्या गजब लग रहा है ना, और आउटडोर ब्राइटनेस भी सही है, विजिबल है। तो कैमरा ओपन करते हैं और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो, लाइक यहाँ पे आप लोगों को देखने को और फोटो मोड, प्रो मोड भी देखने को मिलेगा, और साथ में गाइस यहाँ पे आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ गाइस, यहाँ पे पोर्न एम आई सारा मोड देखने को मिल रहा है, फोटो मोड, वीडियो मोड, वीडियो मोड देख सकते हो। वीडियो मोड में कौन कौन सा है वो अभी आगे वीडियो टेस्ट में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना। यहाँ पर स्लो मोशन भी दे दिया यार। मोर में जाओगे तो यहाँ पे आपको नाइट प्रो देखने को मिलेगा और इंटेलिजेंट स्कैनिंग, ऑटो नोट, ऑडियो नोट, हाँ टाइम स्लैप, भाई साहब टाइम लैप्स भी देखने को मिल रहा है यार। मतलब टाइम लैप्स जैसा चीज़ 7000 रुपये के फ़ोन में है। और अभी मैं आपको कैमरा फीचर्स बताऊंगा ना, कैमरा में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा क्वालिटी मिलता है, वो देख के आपका हालत ख़राब होने वाला है। तो ये मेरे को काफ़ी सही लगा। और एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ, लाइक इसमें गाइस आप HD+ डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, ठीक है। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग सही हो जाएगा, देख सकते हो, कुछ भी ओपन करो। सामने में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, पीछे में गई, पीछे में हम लोगों को देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और दूसरा कैमरा जो है वो AI कैमरा है। तो यही कैमरा सैंपल है, देख सकते हो। तो गाइस ये हमारे पास है iPhone 12, अरे यार लावा यूआर 2, मेरे पास है लावा यूआर 2 और ये देखो मस्त फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। यहाँ पे गाइस हम लोग कैमरा आपको वीडियो टेस्ट पहले दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो फुल HD 1080p 30fps का ऑप्शन मिलता है, HD 720p। तो हम लोग फुल HD 1080p में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और ऐसा स्टेबलाइजेशन ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं और आप लोग क्वालिटी देख के बताओ आपको। सिंपली हम लोग चलने वाले हैं, थोड़ा बहुत दौड़ लेंगे क्योंकि मेरे को ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं इससे, क्योंकि 13 मेगापिक्सल है और 7000 रुपये का फ़ोन है। तो प्राइस को भी मद्देनज़र रखते हुए हम जो है भैंसी का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और ये हमको आज चल के दिखाएगी। तो अभी भाई अपना भाई चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, आप लोग देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्वालिटी। और अभी मैं थोड़ा सा तेज़ चल के सामने से दिखाता हूँ फेस वगैरह कैसा दिखाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, बट अगर वहीं पे रियलमी या किसी और फ़ोन ब्रांड का फ़ोन होता 10-10 हज़ार का तो काफ़ी बूस्ट कर देता, बट ये ऐसा तो नहीं कर रहा है बूस्ट वूस्ट वाला खेला। तो साउंड क्वालिटी बताओ कैसा लग रहा है, वो भी आपको बताना चाहिए। और काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, अब उल्टा चल तो थोड़ा, तो अभी आप लोग देखो फेस डिटेक्शन कैसा है, ये सब कुछ मैटर करता है यार। और मेरे ख्याल से ठीक ही ठाक आ रहा है अगर प्राइस को देखें तो, हालांकि ये और 7000 रुपये में आपको और क्या ही मिलेगा, ये वाला सीन है। तो अभी गाइस हम लोग स्टार्ट करते, अबे तो गाइस अभी हम लोग दौड़ के देख रहे हैं क्वालिटी, आप लोग बताओ, चेक तो कर रहा होगा। तो फ्रंट कैमरा मैंने ऑन कर दिया है और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, फ्रंट में भी 5 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन यहाँ पे 1080p सपोर्ट करता है, देखो 1080p। तो भाई ये मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। तो 1080p में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीज़ नहीं दिखाएंगे क्योंकि इतना बहुत है। तो अभी गाइस हम लोग पैदल चल रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हो है इसका क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बताओ और 5 मेगापिक्सल कैसा है प्लीज़ बता देना। मेरे को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन प्राइस को माइंड में रखना है, उस हिसाब से रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फिलहाल, तो देख सकते हो, तो थोड़ा सा दौड़ के देखते हैं, अब बताओ दौड़ के कैसा शेक मार रहा है या फिर नहीं। शेक तो मारे गई, पीछे का मेरे को ठीक ही लगा प्राइस के हिसाब से, काला आ जाता है थोड़ा सा, फिर भी ठीक ही है, देख सकते हो यार। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है यार कैमरा फ्रंट का, आप लोग देखो बैक का लेकिन ठीक ठाक लगा मेरे को। गाइस आप लोगों ने लावा यूआर 2 का वीडियो कैमरा जो है वो देखा होगा, लाइक वीडियो कैसा शूट होता है, कैसा क्वालिटी है, एवरेज गाइस है सारा कुछ, क्योंकि प्राइस भी 7000 रुपये मात्र, 6999 ओनली। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो ठीक ठाक है,
और यहाँ पे गई सब बात करते हैं फ़ोटोज़ की, तो लाइक अगर आप फ़ोटो वगैरह लेते हो तो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, लाइक जैसे आप सूरज का ही डायरेक्ट फ़ोटो ले रहे हो तो अगल बगल में जो बादल है अगर उसका फ़ोटो लेते हो तो उस टाइम में ना सूरज का फ़ोटो और बादल वादल सारा कुछ दिखाई देता है, तो ओवर एक्सपोज या फिर पूरा वाइट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये चीज़ मेरे को देख के अच्छा लगा कि सिर्फ 7000 रुपये के फ़ोन में भी ऑप्टिमाइजेशन की उम्मीद आप रख सकते हो। लाइक वैसे ही आप अगर आसमान की फ़ोटो लोगे तो ऑप्टिमाइजेशन करता है, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद थोड़ा बहुत इन्हेंस दिखता है गैलरी में वो चीज़, तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद में आया। और गाइस आपको इस फ़ोन में ना जो कैमरा है वो मैं एवरेज ही बोलूँगा, बैक कैमरा थोड़ा अच्छा है लेकिन फ्रंट कैमरा गाइस सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लोग इस कैमरा से नहीं कर सकते। लेकिन लाइक अगर आप सोच रहे हो एक काम, चलो फोटोग्राफ्स अगर ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ गाइस अगर आप चाहते हो जैसे कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लेना है, जैसे आप ऑफिस बॉय हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो विजिबल होती है, पढ़ने लायक होती है। पे फ्रंट कैमरा की जो फ़ोटो है वो लाइटिंग कंडीशन में अच्छा कैप्चर कर लेगा, लेकिन अगर आप नाइट वाइट पे इंडोर खींचोगे तो अच्छी लाइटिंग नहीं होगा तो सॉफ्ट फ़ोटो देगा वो, ऑब्वियसली है गाइस क्योंकि सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पे गाइस बुराई नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस को भी माइंड में रखना है, और इस प्राइस में जो भी अगर आप कोई फ़ोन देखोगे लाइक एक Redmi 6 से आता है जो कि मात्र 7000 रुपये या फिर 6000 रुपये का मिलता है, और ये है Lava Yuva 2, तो ये भी एवरेज कैमरा है। इस प्राइस में अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदोगे तो एवरेज कैमरा ही आपको मिलेगा लाइक, लेकिन iTel वाइटेल जैसे स्मार्टफोन से तो छुटकारा आपको मिल ही सकता है, उन सब स्मार्टफोन से तो बेस्ट है। लाइक Redmi 6 से भी ज़्यादा फीचर्स है, क्वालिटी, प्रीमियमनेस, डिज़ाइन, लुक, सारा कुछ अपर चले जाता है। और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने क्लिक किए हैं, तो बुरे फोटोज़ नहीं आते गाइस, अच्छे फोटोज़ आते हैं। यहाँ पे एक प्राइस को भी माइंड में रखना पड़ता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को फोटोग्राफ्स ठीक ठाक लगे प्राइस के हिसाब से। अब आप लोग यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि बहुत अच्छे फोटोज़ आएंगे लाइक प्रो फोटोज़ आएंगे, लाइक आप जो वीडियो भी देख रहे हो उस टाइप की वीडियोग्राफी आप कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जिस फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ वो अराउंड 25,000 रुपये का है और ये सिर्फ 7,000 रुपये का फ़ोन है। फ्रंट कैमरा से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इसके बैक कैमरा से स्विच करके रिकॉर्ड करूँगा तो और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को अपने आप को देख कर वीडियो रिकॉर्ड करने का आदत है, तो बैक कैमरा से मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं हमेशा फ्रंट कैमरा प्रीफर करता हूँ, या फिर जब मेरा कोई वीडियो शूट करेगा कोई हाथ में पकड़ के तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गाइस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाए कि यहाँ ये जो फ़ोन है कहाँ स्टैंड करता है और जो आप वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन कहाँ स्टैंड करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एकदम क्लियर थॉट लेके इस फ़ोन को ख़रीदना। फोटोग्राफ्स अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा एवरेज, और जो कि अनबॉक्सिंग रिव्यू वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो लुक है और इसका जो स्पीकर है वो इसके प्राइस से बहुत ऊपर है, बाकी चीज़ इसके प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, लाइक आपको एक बेनिफिट है स्टॉक एंड्रॉयड जैसी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और हाँ, आपको इस फ़ोन में हाइपरलैप्स जैसे चीज़ें मिलना, क्योंकि हाइपरलैप्स भी है इस स्मार्टफोन में, ये एक बड़ी बात है, स्लो मोशन कैमरा मिलना, प्रो मोड मिलना, सब चीज़ें होना एक अपने आप में बड़ी बात है इस एवरेज स्मार्टफोन के अंदर, क्योंकि सिर्फ 7000 रुपये में कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये सब कुछ आपको एक फ़ोन में देखने को मिलेगा। इवन मैंने आपको कुछ दिन पहले रियलमी C53 वो जो 10,000 रुपये का फ़ोन था उस पर 108 मेगापिक्सल कैमरा था, सीरियसली उसका 108 मेगापिक्सल बहुत अच्छा था, इससे तो बहुत अच्छा फोकस वगैरह सारा कुछ था, लेकिन उसमें ना ऐसे हाइपरलैप्स जैसा चीज़ उसमें नहीं था। तो ये सारी चीज़ मैटर करती है जो इस फ़ोन में दिया गया है, तो हाइपरलैप्स भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे, और मुझे हाइपरलैप्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत कम समय में आप सारा कुछ दिखा सकते हो। हाइपरलैप्स आप कमेंट में बताना, और इस फ़ोन में हाइपरलैप्स जैसा चीज़ होना आपको कैसा लगा आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। साथ में गाइस यहाँ मेरी बातों के साथ आपको कुछ फोटोग्राफ्स शो हो रहे होंगे जो कि मैंने लिए, लाइक फूल पत्ती सारा कुछ फ़ोटो मैंने लिया, फोकस जो है वो ठीक ठाक कर लेता है, बहुत अच्छा फोकस नहीं कर पाता लेकिन हाँ ठीक ठाक फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट वगैरह जो है वो अगर आप ढूंढ रहे हो तो वैसा इन्हेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बैकग्राउंड क्रीमीनेस थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, तो
तो ये जब ये सब चीज कर लेता है, वहीं पे बात करें कैमरा जूम की, तो हाँ भाई जूम तो करता है बट प्रॉब्लम करता है जूम करता है तो। लाइक एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स लिया और वहाँ पे मिरर में कुछ लिखा था मेरे सीपीयू के, लेकिन उसको वो पढ़ नहीं पाया। इवन मेन कैमरा से लिया विथआउट जूम, उसमें भी ये विजिबल नहीं था, और साथ में जब हम लोग जूम करते हैं तो क्या लिखा था वो तो नहीं दिखा बट वहाँ कुछ चिपका है वो दिख गया, वो बड़ी बात है। तो ऐसे ही जज कर सकते हो, तो जूम वूम तो होता है 10x बट उतना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। फ़ोटो लेने हैं या फिर नॉर्मल यूज़ करना है, ऑफिस बॉय हो आपको एक फ़ोन की नीड है और कहीं भी आपका आपका बजट वगैरह जो है वो 7000 के आसपास है, डेफिनेटली गाइस आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, क्योंकि आप इस फ़ोन से हर वो काम कर पाओगे जो एक स्मार्टफोन से किया जाता है। तो डेफिनेटली गाइस यही सब कुछ था बोलने को इस फ़ोन के बारे में, और नेगेटिव मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि जिस प्राइस में ये सारा कुछ दे रहा है ना वो अपने आप में बड़ी बात है। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बाकी अनबॉक्सिंग रिव्यू में मैंने सारा कुछ बताया है कि इसमें क्या नहीं मिलता है और क्या मिलता है, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। और फीचर्स वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं वो भी लाऊंगा। और हाँ, बैटरी ड्रेन टेस्ट के ऊपर काम चल रहा है तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। सो होप गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।